तक मैं रोज इसे इस पार्क में आकर ऐसे ही छुप छुप कर देखता रहूंगा। मुझे आज इससे बात करनी ही होगी। सुनो। हाँ बोलो। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं आपको ना देखता हूँ इस पार्क में। बस वो बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, आज मौका लगा तो बोल दिया। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ सच में बहुत प्यार करता हूँ मैं आपको। वाह यार, तुमने तो अपने मन की बात बोल दी। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको भी मैं पसंद हूँ, मेरे लिए उतना ही काफी है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, दो मिनट रुको। मैं तो बिना मतलब ही डरा हुआ था कि वो मेरे जैसे लड़के को पसंद नहीं करेगी, लेकिन नहीं, वो भी शायद मेरी तरह दिल से सोचती है। तुम आंखें बंद करो अपनी। ये लो आंखें खोलो। किसी को प्रपोज तब करना चाहिए जब उसके लायक भी हो। तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी क्या शीशे में? जिनका रंग काला हो वो प्यार नहीं करते क्या? प्यार करने के लिए दिल साफ होना चाहिए, रंग नहीं। ओ रुक जा, तुझे गर्लफ्रेंड की नहीं फेयर एंड बबली की जरूरत है। और जब ये वाली खत्म हो जाए ना तो दोबारा ले लियो मेरे से। अब निकल जाए यहाँ से अपनी ये सड़ी सी शक्ल लेकर। मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। भगवान ने मुझे भले ही रंग में काला बनाया हो लेकिन मेरा दिल काला नहीं बनाया, मुझ पर यकीन करो। लड़का हीरे जैसा हो तब अच्छा लगता है, और तुम पूरे के पूरे कोयले हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, शायद तुम में भी हो। हाँ ठीक कह रहे हो, एक कमी तो है मुझ में कि मैं तुम जैसों की यहाँ खड़े होकर बात सुन रही हूँ। ओ जानिया वे, ओ साथिया वे, ओ बेलिया। अगर मैं काला हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, क्या काले लोगों को प्यार करने का अधिकार नहीं है? तुम मेरे घर तक भी आ गए हो अब। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे तुमसे प्यार नहीं उल्टी आती है। तुम मेरी कमियां ही क्यों देख रही हो, मेरी खूबियां भी देखो। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बना कर लाया हूँ। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ये देख, ये तू है और ये मैं हूँ। तुझे शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुझ जैसे इंसान जी कैसे रहे इतनी बेइज्जती के बाद भी। प्यार करना गलत है क्या? और तुमसे ये किसने कहा कि प्यार शक्ल देखकर होता है? इंसान किसी चीज को तब पसंद करता है जब वो देखने में अच्छी हो, और तुझ जैसे इंसान को तो कोई कबाड़ी बिना उठा के ले जाए वो भी थूक दे। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ? आज के टाइम में सुंदर चेहरे वाले हजार लोग मिलेंगे लेकिन सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम। ओ हेलो, ये भाषण ना किसी और को जाके दियो, समझ आई बात? और तुझसे ज्यादा सुंदर तो मेरी गली का कुत्ता भी होगा। निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, खुशियां भले ही तुम अकेले मनाना लेकिन तुम्हारे सारे दुख मैं अपने साथ बांटूंगा। चल तू निकल यहाँ से। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुझ जैसे लोग आते कहाँ से है, ऐसी काली शक्ल लेकर और मुझ जैसी लड़की से प्यार करने चले है। देख लेना, एक दिन तुम जरूर समझोगी कि प्यार दिल से किया जाता है, चेहरे से नहीं। बाहर निकल मेरे घर से, और बाहर जाकर ना जानवरों पर ट्राई मारियो, मुझ पर नहीं, समझ आई बात? और अपने मनहूस पैर ना इस घर में दोबारा मत रखियो। चल निकल यहाँ से। जुदा के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। अरे वो सब छोड़ो, तुमने हमारे बारे में घर पे बात करी? बात किस बारे में? अरे हमारी शादी के बारे में। अरे नहीं यार, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, और वो लड़की तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है और ज्यादा पैसे वाली भी।
क्या? पर ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अबे चल, आज के टाइम में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब पैसे देख के होता है। और आज के बाद मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, चल निकल अब। हेलो हेलो हेलो, ना दर्द है ना गम तेरे, ना इश्क है ना तेरी वो चाहते, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची तेरी वो आदते, है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कम। आप यहाँ पे, आपके मना करने के बाद मैं नहीं आया आपके रास्ते पे। लेकिन अब मैं तो आना चाहती हूँ, तुम्हारे रास्ते में भी और तुम्हारी लाइफ में भी। तुम फिर आ गई मेरा मजाक उड़ाने। मैं जैसा भी हूँ, काला हूँ, गंदी शक्ल है मेरी, लोग भले ही मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं खुद की नज़रों में बहुत अच्छा हूँ। मैं और मजाक नहीं उड़वा सकता अपना। काले वो लोग होते हैं जिनके मन में मैल होता है, तुम्हारे जैसे नहीं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा और मजाक मत उड़ाओ। तुम सही बोलते थे, हर इंसान दिल से चाहने वाला नहीं होता है, और ये बात मैं अब समझ गई हूँ जब मैंने खुद को तुम्हारी जगह रखा। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम और मेरी जगह? हाँ, जैसे मुझे तुम्हारी कमियाँ ही दिखी, वैसे ही किसी और को भी बस मेरी कमी ही नजर आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। तुम्हारे अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे रंग का ही मजाक उड़ाती रही। मैंने आज तक तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, बस तकलीफ इस बात की है कि इंसान सूरत पे क्यों मरता है। पर अब मैं समझ गई हूँ, भगवान हर किसी की लाइफ में साफ दिल वाले इंसानों को नहीं भेजता है, पर मेरी लाइफ में भेजा, और मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर नहीं करी, हमेशा बस तुम्हारा मजाक उड़ाती रही। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम भी मुझे पसंद करती हो? नहीं, पसंद नहीं करती, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। आज लग रहा है भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो ही दिया है। नहीं, अब नहीं, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। पर तुम लोगों का क्या करोगी? लोग तुम्हें मेरे साथ देख के तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। जैसे आज मेरी सोच बदली है, वैसे एक दिन सबकी सोच बदलेगी। और प्यार दिल से किया जाता है, दूसरे की कमियों को अपना कर, और मेरे पास तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला है, यही बहुत है मेरे लिए। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाल सींचे बाग।